हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का टॉपिक है अपना गियर ऑयल और उससे रिलेटेड मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ है और वो मुझसे कहते हैं कि भाई क्या हमें अपनी गाड़ी का गियर ऑयल हर मंथ चेंज करवाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इन्हांसमेंट करना चाहूंगा, यानी कुछ और क्वेश्चन को एडअप करना चाहूंगा और मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है अपना हमें अपनी गाड़ी का गियर ऑयल कब चेंज करना है, यानी कितने किलोमीटर में चेंज करना है, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। सेकेंडली कौन सा ग्रेड, थर्ड कहां से चेंज करवाना है यानी कि शोरूम से या फिर बाहर से, और फोर्थ आपका क्या आप गाड़ी में इंजन ऑयल को एज अ गियर ऑयल यूज कर सकते हैं। सो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूं मैं आपको कि आपको गियर ऑयल कब, कैसे, क्यों, किधर, क्यों नहीं चेंज करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका क्वेश्चन ये था कि क्या हम अपनी गाड़ी का गियर ऑयल हर मंथ चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी गाड़ी का गियर ऑयल हर मंथ चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी गाड़ी को हर मंथ कितने किलोमीटर ड्राइव करते हैं, यानी कि अगर आपकी टोटल किलोमीटर ड्रिवन जो हो रही है वो हर मंथ 4000 या 3000 को पार कर रही है, यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी में 3000 प्लस किलोमीटर चला रहे हैं हर मंथ, तो आपको अपनी गाड़ी का गियर ऑयल चेंज करवा देना है। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आपको अपनी गाड़ी में 3000 किलोमीटर में ही गियर ऑयल चेंज करवा दे, तो आप बोलेंगे कि भाई ये कैसी बात कर रहा है। बात को समझिए, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल में आपको हर कोई ना कोई दूसरी तीसरी फीड में आपको दिखेगा कि आप 5000 किलोमीटर में अपनी गाड़ी का गियर ऑयल चेंज करवा दीजिए। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप अपनी गाड़ी का गियर ऑयल 3000 किलोमीटर में चेंज करवा, अगर आपकी गाड़ी हर मंथ 3000 किलोमीटर ड्राइव हो जाती है। वो इसलिए कि अगर आपकी गाड़ी हर मंथ 3000 किलोमीटर चल रही तो इसका मतलब यह है वो काफी ज्यादा यूज में है। दूसरी चीज, आपकी गाड़ी का जो गियर बॉक्स है वो ज्यादा कंटिन्यू चल रहा है, मतलब कंटिन्यू यूज हो रहा है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक डिस्टेंस को शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है तो इतना ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको अपनी गाड़ी से लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करना है तो उसमें जो गियर्स होते हैं आपके वो ज्यादा जल्दी जो है वो हीटअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मैकेनिकल वेयर देखने के लिए मिलता है और जो आपका गियर ऑयल है वो पतला होना शुरू हो जाता है। तो आपको अपनी गाड़ी में हर मंथ में, अगर आपकी गाड़ी हर मंथ 3000 किलोमीटर या फिर मोटा मोटा ये समझ लीजिए अगर आपकी गाड़ी 3000 किलोमीटर ट्रेवल हो रही है, तो आपको अपनी गाड़ी का गियर ऑयल चेंज करवा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको अपनी गाड़ी में कौन सा ग्रेड का गियर ऑयल यूज करना है। आपको अपनी गाड़ी में 80W90 का गियर ऑयल यूज करना है और ब्रांड आप कैस्ट्रॉल को पिक कर सकते हैं। 120ml का वो आता है, आपका ट्यूब जैसा आता है, आप उस ट्यूब को लीजिए, 120ml वो कंप्लीट रहता है। आपको अपनी गाड़ी में गियर ऑयल यूज कर लेना है। हाउ टू चेंज गियर ऑयल वाली वीडियो मैंने अपलोड करके रखी हुई है, आपको दिख रहा होगा सामने एंड आपके कमेंट सेक्शन में भी या फिर एंड आपके डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो के लिंक पिन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आपको अपनी गाड़ी का गियर ऑयल कहां से चेंज करवाना है, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जो क्वेश्चन पिक किया है बिकॉज ये आपको जानना पड़ेगा। अगर आप शोरूम जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ चीजें डिवाइड करना चाहूंगा, और वो चीजें ये है कि बहुत शोरूम वाले जो है आपकी गाड़ी में गियर ऑयल डालते ही नहीं है, वो मिस कर जाते हैं। एंड सेकेंडली, जो शोरूम वाले आपकी गाड़ी में गियर ऑयल डालते हैं तो वो कुछ शोरूम वाले जो है वो तो गियर ऑयल ही डालते हैं, लेकिन वो भी मैं उसमें भी थोड़ी धांधली हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, खुला वाला गियर ऑयल यानी कि जो सस्ती कंपनी का, लोकल कंपनी का गियर ऑयल आता है वही को डाल देते हैं। एंड सेकंडली, कुछ लोग अच्छा भी डालते हैं, मैं बहुत लोग को ब्लेम नहीं करूंगा। और थर्डली, बहुत लोग एज अ इंजन ऑयल को ही डाल देते हैं, यानी कि इंजन ऑयल ही को गियर ऑयल बना के गियर ऑयल में डाल देते हैं। ये कभी भी हमें गलती नहीं करनी कि हम अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल को ही गियर ऑयल बना के डाल दें, बिकॉज गियर ऑयल की कंसिस्टेंसी एंड गियर ऑयल का ग्रेड जो होता है वो अलग होता है, बिकॉज गियर ऑयल कुछ अलग एडिटिव्स एंड अलग प्रॉपर्टीज के साथ आता है। हम गियर ऑयल को, इंजन ऑयल को एज अ गियर ऑयल हम यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपकी गियर ऑयल में रस्ट एंड ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स पाए जाते हैं, डीफोमिंग एजेंट्स होते हैं, एंटी वेयर एडिटिव्स होते हैं, आपके एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स होते हैं, आपके टैकीफायर्स होते हैं, और गियर ऑयल को इस तरह डिजाइन किया जाता है ताकि वो एक्सट्रीम प्रेशर स्लाइडिंग शियर फोर्सेस को वो सह सके। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब बात करता हूं मैं आपके गियर ऑयल मतलब आपको कहां से चेंज करवाना है। अपन को पता चलेगा कि अपन को गाड़ी में जो गियर ऑयल है, आपको एक ट्यूब लेना है, बेसिकली आपको एक ट्यूब लेना है, या तो आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, बिकॉज मैं जिस सिटी में रहता हूं उस सिटी में ये जो ट्यूब मिल रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर मैं सर्च करता हूं तो मुझे इजिली मिल भी जाता है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। तो जो बाहर बैठे रहते हैं मैकेनिक, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आप शोरूम से चेंज करवाए तो आप पहले जांच पड़ताल कर लीजिए, अगर वो चेंज कर रहे हैं, प्रॉपर ट्यूब उनके पास है, प्रॉपर सामग्री है उनके पास, तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उनको खुद ला कर दे दीजिए। एंड सेकेंडली, अगर आप खुद ही ला कर दे रहे हो तो आप शोरूम ही क्यों चले जा रहे हैं, आप जाके आफ्टर मार्केट चेंज करवा लीजिए, वो आपके सस्ते में देगा, यानी कि 20-30 रुपए लेगा ओपन करने का, पुट अप कर देगा आपका गियर ऑयल, डाल भी देगा। मैं तो कह रहा हूं अगर आप गियर ऑयल खुला वाला भी डलवा रहे तो उस गियर ऑयल की क्वालिटी चेक कर लीजिए, क्योंकि वो काफी अच्छे तरीके से गाढ़ा होना चाहिए। कि आपने ग्लिसरीन को देखा है, ग्लिसरॉल, पॉलीग्लिसरॉल, उसी कंपाउंड का बेसिकली मिलता जुलता रहता है, कुछ कुछ फैटी एस्टर्स पाए जाते हैं आपके
गियर ऑयल में, ठीक है ना। तो आप उस गियर ऑयल को चेक कर लीजिए, देख लीजिए अच्छी क्वालिटी का है, कोई खराबी नहीं हो, आप उस गियर ऑयल को भी टॉपअप करवा सकते हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कंपनी का यूज कीजिए, जिससे क्या होगा कि अगर बाद में मैकेनिकल एरर्स होंगे तो आपको दिक्कत आएगी। बिकॉज मैकेनिकल एरर्स क्यों हो जाते हैं, बिकॉज जब गियर ऑयल एक्सट्रीम प्रेशर को झेलता है, एक्सट्रीम प्रेशर कैसे हो जाते हैं, जबकि गियर ऑयल वर्किंग कंडीशन में होते हैं तो क्या होता है कि आपकी गाड़ी के गियर में फ्रिक्शन क्रिएट होगा। जब फ्रिक्शन क्रिएट हो तो गाड़ी से ऊष्मा निकलती है, गाड़ी के गियर से ऊष्मा निकलती है। उस ऊष्मा को कम करने के लिए आपकी गाड़ी में गियर ऑयल डलता है। जैसे कि हम गाड़ी में इंजन ऑयल डालते हैं कि हमारी गाड़ी का जो इंजन में वियर एंड टियर प्रोटेक्शन बनी रहे, उसी प्रकार हम गियर बॉक्स में भी गियर ऑयल को पुटअप करते हैं। होप सो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।